चलो, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर का उल्टा है। इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया, और इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इट्स लाइक जो तुम्हारा हमने अभी वो पंप वाला देखा था इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो ये घूम रहा है व्हील, और व्हील के बीच में तुमने पानी डाल दिया तो पानी ऊपर जा रहा है। अब देखो वही सिचुएशंस, ये घूम रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो ये मैकेनिकल एनर्जी ऐसे घूम रहा था, बीच में तुमने पानी डाल दिया तो पानी भी ऐसे करके घूम रहा है और ऊपर जा रहा है। अब ये घूम नहीं रहा है, मैकेनिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो मैकेनिकल एनर्जी कहां से लाए, मैकेनिकल एनर्जी मतलब मूवमेंट लानी है, हमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ये घूमेगा और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो किया क्या हमने एक्चुअली, इलेक्ट्रिसिटी दी, फिर मैकेनिकल एनर्जी आई और मैकेनिकल से वापस इलेक्ट्रिकल आई, तो ये तो सही मेथड नहीं है, क्योंकि जो था उसको ऐसे घुमा घुमा के वापस तुमने वही लाए, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि इलेक्ट्रिसिटी तुम दे नहीं रहे हो, कुछ और दे रहे हो, तो हम क्या कर रहे थे, ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, एक बार किया ना, दूसरी बार फेंकू मारकर, ओके, तो एक बार ऐसे कर रहे थे, हमने पानी डाला तो पानी भी ऐसे ऊपर गया, तो पानी ऊपर गया, ये घूम रहा था इसलिए पानी ऊपर गया, अब हम क्या कर रहे हैं, पानी को ऊपर से फेंक रहे इसके ऊपर, तो ये घूम रहा है, फिर वापस पानी फेंक रहा है, तो ये घूम रहा है, फिर वापस पानी कंटिन्यूअसली फेंक रहे हैं और घूम रहा है, बताओ चलो ऐसी सिचुएशंस कहां होती है, सर वो डैम के अंदर। तो डैम में हमने क्या किया कि ये नदी बह रही है, नर्मदा रिवर बह रही है, और यहां हमने डैम बना दिया, तो ये पूरा पानी 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 से भर गया है, और अब यहां पे मैंने टर्बाइन, जैसे ये जो घूम रहा है उसको हम पंप बोलते थे, इसको हम टर्बाइन बोलते हैं, तो अब होगा क्या कि सपोज यहां पे ऐसे पानी ऐसे हमने गिरा है, तो ये ओके, ये गिरा ऐसे, फिर वापस गिरा, तो ऐसे करके वो गोल गोल घूमने लगा, समझ में आया, तो ये कहां से एनर्जी तो आई है, कहां से आई, ये वाटर के पास एनर्जी स्टोर हो गई थी, इतने हाइट पे से फेंक रहे हैं, हाइट मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी है एक्चुअली, तो हाइड्रोलिक एनर्जी कौन सी थी, वाटर के पास है इसलिए हाइड्रोलिक एनर्जी, तो हाइड्रोलिक एनर्जी कौन से फॉर्म में थी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वहां से पानी हमने नीचे फेंका तो वो पानी मोशन में आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी से हमने ये टर्बाइन को घुमा दिया, ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया, हाइड्रोलिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया, और अब क्या हो रहा है कि ये जो घूम रहा है तो उसका जो शाफ्ट होगा, मतलब जैसे कि ये घूम रहा है तो यहां ऐसे कुछ होगा और ऐसे ऐसे करके घूम रहा है लाइक दैट, तो ये जो शाफ्ट है उसके साथ दूसरा एक शाफ्ट कनेक्टेड है, ये शाफ्ट तो घूम रहा है, तो उसके साथ जो ये शाफ्ट कनेक्टेड है ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी, वो टर्बाइन घूम रहा है, टर्बाइन घूम रहा है मतलब ये जो शाफ्ट पे होगा वो भी घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, ये घूमेगा इसके साथ कुछ और ऐसे कनेक्टेड है शाफ्ट, तो ये शाफ्ट घूम, शाफ्ट मतलब ये रॉड को शाफ्ट बोलते हैं, ओके, तो ये घूमेगा तो इसके साथ वाला शाफ्ट भी घूमेगा, तो ये शाफ्ट घूम रहा है, ये शाफ्ट के ऊपर हमने मैग्नेट्स लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, मैग्नेट, ये शाफ्ट के ऊपर, ओके, तो ये शाफ्ट के ऊपर मैग्नेट लगा दिया, अब मैग्नेट ये घूम रहा है, मैग्नेट घूम रहा है और उसके आसपास हमने कंडक्टर रख दिया है, तो कंडक्टर और बीच में मैग्नेट और मैग्नेट घूम रहा है, तो आगे है ना, मैग्नेट घूम रहा है, ये देखो मैग्नेट मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेट घूम रहा है और उसके आसपास सोलेनोइड मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थे, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, तो आ गया ये वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, तो ये फंडा है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब अगेन मैंने तुम्हें बताया था दोनों में से जो मूव हो चलेगा, यहां तुम मैग्नेट को मूव करो कंडक्टर को वैसे ही रखो, या फिर मैग्नेट को वैसे वैसे ही रखो कंडक्टर को ऐसे ऐसे घुमाओ सोलेनोइड को घुमाओ, दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, समझ में आया पक्का, ओके, समझ में आया गया ना, तो बुक में देखो तुम्हारी फिगर में कि ये देखो बुक में क्या किया है, नॉर्थ और साउथ मतलब मैग्नेट है और मैग्नेट के बीच में
कंडक्टर को घुमाया। तो तुम मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को घुमाओ या कंडक्टर के बीच में मैग्नेट को घुमाओ, तुम्हें चाहिए क्या? इलेक्ट्रिसिटी, वो तुम्हें मिल जाएगी। ओके, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो अब डेफिनेशन सुनो। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है, क्यों यूज होती है? टू रोटेट अ कंडक्टर, कंडक्टर को रोटेट करने में इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम कंडक्टर को रोटेट करो या इलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टर के अंदर तुम मैग्नेट को रोटेट करो, दो में से जो करना है करो, लेकिन प्रोड्यूस क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। और अगर पूछे कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जनरेटर किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ओके, अब हमने ये प्रोड्यूस तो कर लिया करंट, तो दो टाइप के करंट होते हैं। ओके, एक होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नहीं एक होता है डीसी करंट और एक होता है सीडी तो एक होता है डीसी करंट, डोमेस्टिक करंट नहीं डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी करंट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, जैसे हम ये सोलर एनर्जी फ्लैट प्लेट कलेक्टर रखा हुआ है, इसको फ्लैट प्लेट कलेक्टर बोलते हैं। तो सन रेज आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट है। हमारे घर में जो आ रहा है वो कौन सा है? अल्टरनेटिंग। श्योर? हाँ, हमारे घर में जो आ रहा है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एसी। ओके, और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट करंट डीसी। इसीलिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें जीईबी को भेजना पड़ता है, नहीं तो ऐसा सोचो हम अगर घर में डायरेक्ट करंट यूज करते तो हम जीईबी को कुछ भेजते ही नहीं, खुद प्रोड्यूस करो और खुद ही यूज करो, प्रोड्यूस करो यूज करो। लेकिन उसके लिए भी हमें एसी टू डीसी कन्वर्टर चाहिए और डीसी टू एसी कन्वर्टर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। ओके, नहीं करंट की बात हो, एसी करंट बोलोगे तो एयर कंडीशन नहीं समझेंगे, लेकिन करंट लिखना पड़ेगा तुम्हें, सिर्फ एसी नहीं। तो एसी करंट एंड डीसी करंट, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है। अभी 3 मार्क का क्वेश्चन आया, 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, फ्लोज इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। कौन? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डायरेक्ट ही आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब ऐसा समझो कि करंट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो कंटिन्यूअसली नॉर्थ में ही जाएगा, मतलब एक पहली सेकंड में नॉर्थ में, दूसरी सेकंड में भी नॉर्थ में, तीसरी सेकंड में भी नॉर्थ में, कंटिन्यू हर सेकंड टू सेकंड नॉर्थ में ही जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट है तो नॉर्थ में, दूसरी सेकंड में साउथ में, उल्टा जाएगा वापस, फिर वापस नॉर्थ में, फिर वापस, फिर नॉर्थ में, साउथ, नॉर्थ में, साउथ, नॉर्थ, जा तो ऊपर रहा है लेकिन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो वो हाँ क्या हाँ वे वही है, लेकिन डायरेक्ट में सीधा 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 ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, लाइक दैट। सो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती जा रही है। ओके, समझ में आ रहा है? सो फ्लोज इन वन डायरेक्शन दैट इज डीसी करंट, एंड रिवर्स इज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली दैट इज द एसी करंट। मतलब एसी करंट में उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, दैट इज पीरियोडिकली। सेकेंड, डायरेक्ट करंट हम क्यों यूज नहीं कर रहे? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, पावर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब तुम सपोज वहां पे बनाया क्या, जैसे सरदार सरोवर डैम, ओके, तो वहां पे हमने केवड़िया डैम, सरदार सरोवर डैम पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से घर तक आते आते खत्म हो जाएगी, लॉस ज्यादा होता है, इसीलिए डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर नहीं होता। देयर इज टू मच ऑफ लॉस। ओके, मतलब ऐसा समझो कि तुम एक पूरा का पूरा जो पानी से भरा हुआ ग्लास है, पूरा फुल ब्राइन बोलते हैं जिसे, फुल ब्राइन, ओके, पूरा पानी से भरा हुआ ग्लास ऐसे लेके तुम्हें बोले कि चलो कितना चल सकते हो, तुम कितने किलोमीटर चल सकते हो, थोड़ा भी गिरना नहीं चाहिए, कितना किलोमीटर चलोगे?
किलोमीटर चलोगे या मीटर में या सेंटीमीटर में चलोगे? एक किलोमीटर चलोगे, गिरना नहीं चाहिए, पूरा भरा हुआ है, फुल, एकदम फुल। तो ये रूम में ही गिरा दोगे तुम, यहाँ से चलना शुरू किया तो सर वो तो वही पर दो कदम में गिर जाएगा। हाँ, तो दैट इज द लॉस। लेकिन मैं बोलू कि एक पूरे ग्लास में एक चम्मच पानी डाला हुआ है तो कितना दौड़ना, जितने दौड़ना हो उतना दौड़ते रहेंगे। सो उसमें ऐसा ही है, ओके, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो पावर जो है वो लॉन्ग रन पे ट्रांसमिट करेंगे हम, ऐसा नहीं कि ग्लास भरा हुआ है तो हम जा नहीं सकते, जा तो सकते हैं बट लॉस ज्यादा होगा। फिर पहुंचे तो बोले ये क्या, इतने दूर 10 किलोमीटर चल के लाए और दो चम्मच पानी लेके आए, तो बोले बाकी कहाँ गया, बोले बीच में गिर गया और थोड़ी प्यास लगी थी, थक गया था तो पी भी लिया। वैसे ओके, लेकिन थोड़ा ही है तो गिरने के चांसेस है ही नहीं, कम है, ओके, हाँ नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम है, यस। सो पी भी तो सकते हो, हाँ पी सकते, चलो। सो पावर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन अल्टरनेटिंग में इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमारे घर पे लॉन्ग डिस्टेंस ही तो आता है, हम बोल रहे हैं जीबी, तो यहाँ से सिर्फ हमें प्रोवाइड कर रही है, ऑफिस है यहाँ पे जीबी, वहां से आता है क्या करंट? वो तो एक ऑफिस है, ओके, वहीं से सब निकल रहा है क्या? ये सारे हमारे घर पे केबल आते हैं तो वहां से आते हैं, नहीं तो सोचो वहां पे सारे केबल ही केबल, सब जगह से चारों ओर से केबल ही आ रहे, वैसा दिखता है यहाँ पे? नहीं दिखता, वो एक ऑफिस है, ओके, जहां से सब ऑपरेट होता है, समझ में आया? ओके, एंड थर्ड पॉइंट एग्जांपल, तो एग्जांपल डायरेक्ट करंट का, रिमोट के सेल, रिमोट के सेल भी जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है, जैसे रिमोट कंट्रोल कार वहां वो भी, ओके, मतलब जो सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, बैटरी, ये एसी के नीचे ये सेल है ना, इसके अंदर कैमरा के अंदर होता है, रिमोट के अंदर होता है, टीवी रिमोट में होता है, टॉय में होता है, तो वो कौन सा करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट डीसी करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का बेस्ट एग्जांपल घर की इलेक्ट्रिसिटी, हाउस इलेक्ट्रिसिटी। तीन बातें लिखनी है, समझ में आ गई तीनों? ओके, सो डीसी करंट दैट इज डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट। डायरेक्शन लिख लो पहले, फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इसकी पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे लॉन्ग रन में पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, नहीं पावर ट्रांसमिट करे तो वेरी मच लॉसेस आर देयर, सो कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, ऐसा ही हम लिख देते हैं। और एसी करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एंड एग्जांपल लिख लेना है बैटरी सेल एंड द हाउस इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? और अब लास्ट में ये चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, दैट इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, एकदम सिंपल है, सबसे ज्यादा बोल रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे बोल रहा हूं, ज्यादा मार्क्स का नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वो क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स का ऐसा नहीं बोल रहा। ओके, सो ऐसा समझो आरजीबी पता ही है, ओके, हमारे घर में अभी जैसे तुम ये इलेक्ट्रिक बोर्ड खोलो तो अंदर तीन कलर के वायर होंगे, ओके, आर जी बी, तो आर मतलब रेड, आर जी बी, तो सपोज ब्लैक और ग्रीन, हाँ तो ग्रीन, आर जी बी। अभी कई कई जगह पे जी को बीच में रख देना, ओके, तो आर जी बी याद रखने के लिए आर जी बी, आर बी जी ऐसे अच्छा नहीं लगता, बीजी, बीजी मतलब तो क्या कुछ आंटी जैसा होता है ना पंजाबी में, ऐसा होता है बीजी, बीजी ऐसे, बीबी जी का मतलब वापस कुछ और, बेबी जी, बेबी, अच्छा आई डोंट नो, ओके, बट ऐसा ही होता है थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, नहीं दादी तो नहीं, मतलब दादी हो सकती है बट दूसरों के लिए भी यूज करते हैं, बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी, चलो जो भी हो ये इसकी वजह से बीजी बीजी शुरू हुआ, अच्छा चलो। तो रेड ब्लैक एंड ग्रीन, ब्लैक की जगह अब लोग फॉलो नहीं करते, ब्लू भी डाल देते हैं, डी का ब्लू भी होता है तो ब्लू डाल दिया, तो तुम्हें ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा। जनरली कौन से कलर होते हैं, रेड ब्लैक ग्रीन एंड येलो भी होता है, ब्लू भी होता है, एक्चुअली जो पीछे जाता है, ओके, वापस मतलब अभी बताता हूं, देखो ये जो है रेड वो है लाइव वायर,
कौन सा? लाइव वायर, मतलब जिंदा वायर. ओके, मतलब कि इसमें करंट होगा. ऐसा समझो कि ये हमारा बिजली घर है, जहाँ से बिजली आ रही है, बिजली घर. ओके, और ये हमारा घर है. ऐसे छोटा था ना, तो मैं ऐसा घर बनाया. सर वो गोला ऊपर नहीं जा रहा, ये ऊपर होगा, ये दरवाजा साइड में, यहाँ पे विंडो बना. नहीं नहीं, यहाँ पे दरवाजा तो यही है, यहाँ पे दरवाजा. अच्छा, जो भी हो, चलो. हमारा घर इससे भी ज्यादा बेहतर होता. अच्छा, तो चलो चलो चलो. तो रेड वायर जो लाइव वायर है वो बिजली घर से करंट लाता है हमारे घर में. ओके, अब जनरली देखो, ग्रीन और ब्लैक जनरली यूज होते हैं अर्थिंग के लिए. उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं. तो अगर ब्लैक तुमने अर्थिंग के लिए यूज किया है, तो यहाँ पे फिर वायर हम ब्लू यूज करेंगे. ब्लैक को अगर अर्थिंग के लिए यूज कर दिया, तो फिर इसके लिए ये न्यूट्रल वायर है. ये कौन सा वायर है? न्यूट्रल वायर. तो अगर ब्लैक को तुमने अर्थिंग के लिए यूज किया है, तो न्यूट्रल के लिए ब्लू आएगा, अदरवाइज न्यूट्रल के लिए ब्लैक होता है. कोई भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अभी मैंने ब्लैक यहाँ पे न्यूट्रल के लिए लिखा है, तो अर्थिंग के लिए? अर्थिंग के लिए है ना ग्रीन. ओके, सो क्या होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं. येल्लो भी लाइव वायर के लिए भी यूज करते हैं, और अर्थिंग के लिए भी. अब तो देखो, जिसको जो मर्जी आए डाल देते हैं. ओके, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कोई, सपोज तुम्हारे घर में कोई इलेक्ट्रिशियन ने पूरा घर का वायरिंग किया हुआ है, अब सपोज 10 साल बाद तुम्हें रिमॉडिफाई करना है कुछ. ओके, और कोई नया इलेक्ट्रिशियन आया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो 10 साल पहले जिससे तुमने काम करवाया था वो पता नहीं आया, ये दूसरा ही कोई आया. अब जनरली क्या है, सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात, रेड लाइव वायर. अब तुम रेड की जगह ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो में अगर लाइव वायर डाल दिए, सो दैट विल नॉट बी गुड. शॉक भी लग सकता है, क्योंकि वो तो रेड को छुएगा भी नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें करंट बह रहा है, तो वो रेड को नहीं पकड़ेगा. हाँ, ब्लू को पकड़ सकता है, ब्लैक को पकड़ सकता है, बट रेड को पकड़ेगा नहीं. लेकिन जिस जेड डाला वो डाला, येलो में डाल दिया लाइव वायर, ओके, तो करंट लगेगा. करंट किससे? कलर से क्या मतलब? कलर से पता चलता है कि ये लाइव वायर है. ऐसे नहीं, मतलब लेकिन कलर उसके दिमाग में सिर्फ है ना, कि येलो कलर मतलब लाइव वायर उसके दिमाग में है. लेकिन जनरली सबको क्या पता है कि भाई रेड मतलब लाइव, ऐसे. तो जनरली जो पता है वो कन्वेंशनल है, इसीलिए तो स्टैंडर्डाइज किया गया है कि कन्वेंशनली ये चल रहा है. जैसे कन्वेंशनली चल रहा था कि ब्लैक बोर्ड और उसके ऊपर व्हाइट चौक, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, वैसे ही चल रहा था. फिर कोई जगह पे आ गए कि भाई व्हाइट बोर्ड और उसके ऊपर ब्लैक कलर से कुछ लिखेंगे, तो ये देखो हम वही तो कर रहे हैं, ब्लैक व्हाइट बोर्ड और फिर ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की मार्कर से लेंगे. उल्टा कर दिया हमने, कन्वेंशनली जो चल रहा था उससे उल्टा कर दिया. और अब तो फिर इलेक्ट्रिकल बोर्ड आ गया, तो सारे ही कलर आ गए उसमें. ओके, लाइक दैट. तो कन्वेंशनली जो चलता हो तो चेंज कर दे, उससे कोई फर्क नहीं. फैन तो तुम्हारा शुरू होगा, सब कुछ नॉर्मली चलेगा. लेकिन जब मेंटेनेंस करने की बारी आए, और जो बंदा मेंटेनेंस करे उसको पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? भाई सेफ्टी के लिए, शॉक वॉक ना लगे उसके लिए. नहीं तो वायर तो चलेंगे ही, कोई भी कलर डालो तुम, इलेक्ट्रिसिटी घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी ही. ऐसा नहीं कि तुम रेड को लाइव रखा है और तुमने येलो लाइव रखा तो फिर बिजली गई, नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई. लेकिन सेफ्टी पर्पज और कन्वेंशनली वो फॉलो होता है. वैसे आया समझ में? ओके, तो रेड वायर लाइव वायर बिजली घर से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घर तक बिजली लाता है. लेकिन हमने देखा था कि हम अगर सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे बल्ब है, कैसा था बल्ब, ऐसा कुछ था? हाँ, हाँ, तो ऐसा समझो कि यहाँ तक आया और यहाँ नेगेटिव से जुड़ा नहीं, तो ये जनरेट बल्ब ग्लो होगा नहीं होगा, इसको सर्किट कंप्लीट करनी पड़ेगी. तो वैसे ही ये घर में कुछ भी नहीं चलेगा जब तक इसको वापस तुम बिजली घर तक ले नहीं जा सकते, ले नहीं जा सकते. ओके, तो ये जो वापस जाने वाला वायर होता है, दैट इज द न्यूट्रल वायर. सो रेड वायर, ब्लैक और ब्लू, ब्लू भी यूज करते हैं, दैट इज न्यूट्रल वायर. ओके, सो रेड वायर से आती है और
ब्लू और ब्लैक वायर से जाती है, कौन? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ग्रीन वायर, ग्रीन वायर इज यूज्ड फॉर अर्थिंग। तो अर्थिंग ये जमीन में डाल दिया जाता है, ओके, मतलब ग्रीन वायर से। जैसे तुम अभी आओगे तो देखना हमारे गेट के सामने ही एक वायर ऐसे बड़ा पड़ा है, छुप ऐसे ही, ऐसे फ्रीली ही है ऐसे वायर, ओके, मेटल का, और मेटल का वायर, और उसको जमीन में गाड़ दिया है पूरे का पूरा। क्यों? और जैसे सोलर पैनल में देखना, तुम यहाँ से दिख रहा है कहीं पे, देखो कोई भी सोलर पैनल हो, ये पाइप दिख रहा है बड़ा एकदम साइड में, इसमें एक मेटल का पाइप डाला हुआ होता है, मेटल का रॉड। क्यों? क्योंकि कभी बिजली आए, बिजली आए मतलब कौन सी बिजली? इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग की बात कर रहा हूँ, लाइटनिंग, बारिश वाली बिजली, बारिश वाली बिजली, थंडर स्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है वो लाइटनिंग, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग जो है वो लाइटनिंग हो, तो लाइटनिंग मतलब वेरी हाई वोल्टेज और करंट है, वो हमारे घर पे डायरेक्ट आएगा, शॉक लगेगा। हमारे घर में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मेटालिक है, एंड हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट जाएगा। और हमने सपोज ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड है और हमने ये छुआ, जैसे ये एल्यूमिनियम का है और हमने छुआ, तो हमें करंट लग सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने छुआ तो हमें करंट लग सकता है। तो वो ना लगे इसलिए ऑलरेडी वहां एक बड़ा रॉड लगाया हुआ है कि वो जो ज्यादा वोल्टेज करंट आ रही है वो पूरे का पूरा आए और वो पूरा ही अर्थ में चला जाए। कहां चला जाए? अर्थ में नीचे चला जाए। तो वो तो लाइटनिंग, वो सोलर पैनल में वैसे रॉड लगाया जाता है। हमारे घर में भी जीबी, यहां ध्यान दो, हमारे घर में भी जीबी में से ये अर्थिंग किया जाता है, अर्थ में डाला गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग। तो ये ग्रीन वायर है, वो ग्रीन वायर, जैसे कि हमारे ये तीन तीन ऐसे वो बड़ा वाला होल दिख रहा है प्लग में, उसमें से ग्रीन वायर जाता है। तो अगर ज्यादा अगर आ गया है करंट और वो, तो वो ग्रीन वायर थ्रू वो जाएगा कहां तक? अर्थ तक जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल करंट होगा वो अर्थ में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल करंट अगर तुम्हारे अप्लायंसेस में गया, उसकी कैपेसिटी है कि वो इतना ही ले सकता है, उससे ज्यादा लिया तो वो शॉर्ट हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ओके, हर्षित यहां ध्यान दो, कहां उसकी तरफ देख रहे हो? ग्रीन ग्रीन जो भी हो, ऐसी छोटी छोटी बातों में ध्यान यहाँ पे रखो, नहीं तो चला जाएगा, वो लिंक टूट जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो, तो ये वायर अभी जाएगा, तो इसके लिए वो ग्रीन वायर है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा वोल्टेज करंट आ गया तो वो अर्थ में चला जाएगा, और वो हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा है। इसीलिए ग्रीन कलर का जो वायर है वो अर्थिंग में यूज होता है, मतलब हमारे घर में से सपोज ये ग्रीन कलर का वायर निकला और वो पूरे का पूरा अर्थ में चला गया। ओके, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जहां रखना हो वहां रख सकते हैं, आगे पीछे कहीं से भी, लेकिन घर घर में से सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड होने चाहिए उसमें, क्योंकि मेटल के होते हैं कितनी सारी चीजें, हमारे अप्लायंसेस तो कितना कुछ मेटल होता है। सो इसीलिए कल मैंने बताया था ना कि फ्रिज ऐसे करके चेक करना, तो फ्रिज भी कितना मेटल यूज हुआ है उसमें। तो अगर ज्यादा है, करंट ज्यादा जा रहा है, तो वो भी कांप रहा है, फ्रिज भी कांप रहा है कि भाई कम करो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी, और तुमने पकड़ ली, हाँ हाँ मेरे पास ज्यादा, ये ले जाओ, और हम चिपक गए। ओके, लाइक दैट। हमारे सरफेस और पैर के बीच में कुछ है तो चप्पल या फिर पायदान रखा होगा, तो करंट थोड़ा कम लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। दैट मींस व्हाट? अगर तुम हवा में तो होंगे नहीं, हवा में तो होंगे नहीं कि सिर्फ ये पकड़ा हुआ है और पैर वैर सब अंदर ऐसे ऐसे, ओ वैसा तो होगा नहीं। ओके, तो तुम जमीन से जुड़े हुए तो हो, हाँ तुमने नीचे वुड है और प्लास्टिक के स्लीपर्स पहने हुए हैं, तो वो तो इंसुलेटर है, तो वो तो पास करेंगे नहीं, तो शॉक लगने के चांसेस कम है। लेकिन अगर ऐसे ही है नेक्ड लेग्स पे, ओके, तो शॉक लगेगा ही। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट कर रही ना, फ्रिज के पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, वो कांप रहा है कि मेरे पास ज्यादा है, ले लो, और जैसे ही हमने लिया, एक्स्ट्रा जितनी भी होगी हमारी बॉडी में से जाके अर्थ में जाएगी, क्योंकि जाना कहाँ है उसको? अर्थ में जाना है। तो वो हम बीच में आए तो हमें भी फ्यूज कर देगी, शॉर्ट कर देगी। ओके, सो यही है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसमें आता है एक फ्यूज। फ्यूज हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट थियरी में देखा ही था फ्यूज। ओके, मेल्टिंग होता है वायर वो। सो फ्यूज का काम क्या है? प्रिवेंट्स दी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग होगा और शॉर्ट सर्किट होगा, उसको प्रिवेंट करने का काम फ्यूज का है। लास्ट चैप्टर में हमने उसका फंक्शन भी देख लिया था, कैसे काम करता है। ओके,
शॉर्ट सर्किट क्या है? अ सिचुएशंस इन विच द करंट इन अ सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस। शॉर्ट सर्किट क्या है? ऐसी सिचुएशंस है जिसमें करंट अचानक से अचानक से एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह तो इसी को ये ऐसे करंट अचानक से बढ़ जाए उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। ओके, एंड लास्ट 3 मार्क का क्वेश्चन और से टॉपिक चैप्टर का, दैट इज कॉजेज ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। कौन सी वजह से ये किस कौन से कॉजेज क्या है ओवरलोडिंग के और शॉर्ट सर्किट के? पहला, व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर गलती से ये वायर और ये वायर एक दूसरे के, मतलब ये यहां से आ रहा है और ऐसे ऐसे करके ऐसे ये है, तो किसी ने ऐसे, अरे ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, इसको लगा दो इसके साथ, तो इसके साथ लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट है। ओके, गलती से भी, जैसे कि हमारे से प्लग में आ रहा है एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर, और गलती से भी तुमने उसको ऐसे जला दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया, जला दिया इन द सेंस कनेक्ट कर दिया, स्पार्क होगा, ओके शॉर्ट हो जाएगा, तो उसके उस वो लाइन में जो भी कनेक्टेड है, सपोज बल्ब है, ओके ये बल्ब है, बल्ब से एक रेड वायर आ रहा है, बल्ब से एक ब्लैक वायर आ रहा है और यहाँ प्लग है, तो ये प्लग है मेरा सपोज, ओके ये है रेड और ये है ब्लैक और ये है ग्रीन, तो ये बल्ब से आया, ये ऊपर वाला बल्ब है, ये ऊपर वाले बल्ब से ऐसे आया और ये रेड, और ये वापस बल्ब में गया और ये कौन सा था? ब्लैक। ओके, अब बीच में हमने स्विच रखी हुई है, इसके बाजू में ही स्विच है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ कि यहां से करंट गया, ओके करंट गया और ये क्या हो गया? ग्लो हो गया, क्योंकि ये करंट वापस आ रहा है और ब्लैक तक जा रहा है, सर्किट कम हो खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो ये यहां से जाना बंद हो गया, तो ये ग्लो करना बंद हो जाएगा, लेकिन गलती से ये जो हमने डाला हुआ है तो ऐसे करके थोड़ा लूज हो गया और ये भी लूज हो गया, और इसकी एक दो वायर भी अगर ज्वाइन हो गए तो बल्ब ग्लो होगा नहीं, समझ में आया? क्योंकि वो शॉर्ट हो गया है। तो कभी भी रेड और मतलब रेड और ब्लैक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। सो कभी भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर गलती से भी कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, दैट कॉजेज द शॉर्ट सर्किट। ओके, सेकंड, ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। एक्सीडेंटली ये बिजली घर ने ही ज्यादा वोल्टेज भेज दिया हमारे घर में, गलती से, उनकी भी गलती। ओके, तो गलती से हमारे घर में आना चाहिए से 220 वोल्ट। ओके, सो 220 वोल्ट की जगह जैसे 440 वोल्ट का झटका नहीं बोलना, ओके सो 220 वोल्ट की जगह 440 भेज दिया, ओके डबल भेज दिया, 220 की जगह 440 भेज दिया एक्सीडेंटली। ओके, सपोज उनको इंडस्ट्री में भेजना था 440, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे हमारे घर में जो छोटे छोटे वैसे नहीं है होते हैं, वहां बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है, बड़ी बड़ी क्रेन और वो सब चलाना है, तो उनको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो वहां भेजना था और गलती से यहां भेज दिया, तो भी हमारे घर के सारे चले जाएंगे। सर, तो ये पैसा कौन भरेगा? पैसा हमारे घर में अगर MCB है, फ्यूज है, तो वो कम हो जाएगा, दैट मींस कि हम सेफ है। ओके, मतलब कुछ हुआ नहीं हमारे घर के अप्लायंसेस को, वो फ्यूज हो गया है इसलिए, और अगर फ्यूज नहीं है और ऐसा कुछ है और ऐसा हुआ, गलती हमारी ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की एडवाइजरी है कि भाई तुम्हारे घर में फ्यूज होना चाहिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB होनी चाहिए, वो हमने नहीं लगाई पैसों बचाने के लिए, तो ये सारे पैसे गए। ओके, लाइक सेकंड पॉइंट, ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज। ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक, एक्सीडेंटली हो गया है, किसमें? जो वोल्टेज था, सप्लाई वोल्टेज था, उसमें हाइक हो गया, हाइक मतलब अप हो गया, इंक्रीज हो गया, सो ड्यू टू द एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज। एंड थर्ड, कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। मतलब के एक ही सॉकेट में बहुत सारे तुमने अप्लायंसेस जोड़ दिए, जैसे हम वो एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड का एक प्लग में डाल दिया, अब एक्सटेंशन बोर्ड में सपोज 5-6 हैं, तो तुमने ऐसे एक में फोन चार्ज कर रहे हो, एक में लैपटॉप चार्ज हो रहा है, एक में कुछ ये बोल रहे हैं कि बल्ब नहीं चल रहा है, रुक मैं देता हूँ यहाँ पे, तो वहां पे वो दे दिया, बल्ब भी चल रहा है, बोले टीवी में आ नहीं रहा है कुछ, एयरफोन है, टीवी भी चला रहे हो उसमें, ओके सब कुछ ये 5-6 सॉकेट में ही, टीवी चला रहे हो, बल्ब चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हो, इतना सब कुछ एक ही में घुसेड़ दिया है, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है।
ओके सो दैट इज द थर्ड रीजन कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट. क्योंकि हम बोलेंगे सर एक सिंगल सॉकेट में कहां डाले है, ये तो पांच अलग अलग सॉकेट है, लेकिन उसका इनपुट देखो वहां पे एक ही है ना. ओके तो एक में ही डाले हुए है पांच, क्योंकि ये सॉकेट कहां से ले रहा है, एक्सटेंशन कहां से ले रहा है, वहां सिंगल में से ले रहा है. ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग जगह से ले रहा है, सिंगल में से ले रहा है. ओके सो दैट इज सिंगल सॉकेट में से ही ज्यादा यूज किए तो भी हो सकता है. दैट इज द कॉजेज ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट. समझ में आया? सो दैट वॉज अवर चैप्टर एंड विद दिस अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक एक मार्क में तो ये डायरेक्शन कर ही लेना, गलती होनी नहीं चाहिए, ऐसे उंगली घुमाने में ऐसे गड़बड़ी मत कर देना. ओके तो कहाँ राइट हैंड कहाँ लेफ्ट हैंड यूज करना है वो ध्यान रखना अच्छे से. और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. एंड चैप्टर के साथ साथ नहीं, अभी तो बाकी है ना, तो हमारा क्या क्या बाकी है, ये साइंस में हमारा पांचवा चैप्टर केमिस्ट्री में बाकी है. कट है सर, हाँ जी, लेकिन चलाना तो है ना, तुम्हें कट है, तो तुम्हारा कट है सपोज केमिस्ट्री तुम्हारा खत्म, देन फिजिक्स बायो. ओके तो फिजिक्स बायो में बायो में हेरिडिटी इवोल्यूशन कट है. सो हेरिडिटी ओके ये कट कट है ना, उनकी एग्जाम एक महीने के बाद है और तुम्हारी मार्च में है. ओके तुम्हें एक महीना ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए अब बाकी को जो चैप्टर है वो तो तुम पढ़ लोगे, आई थिंक पीछे का तो पढ़ लोगे ना, या पीछे का मन उसमें टाइम वेस्ट करने की, वेस्ट नहीं बोलेंगे हम, बट हम कंज्यूम टाइम हमारा कंज्यूम स्पेंड करने की. तो हाँ गई वैक्सीन निकाल दिए मैंने क्या, हाँ ये ओके. सो 13 सोर्सेस ऑफ, हमने वो उस दिन कौन सा किया था, और एनवायरमेंट किया था ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो बाकी रह गए 14 और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये पढ़ने के टॉपिक है, और अगेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर समझ में ना आए तो बताना, हम समझा भी दूंगा. ओके तो सारे ही ऐसे हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिसमें सब कुछ आएगा कि कैसे कैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, ये वो. तो नहीं मतलब ये जनरल, ये इसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नहीं डालेंगे, ये दिस इज जनरल साइंस, जो बचपन से एनवायरमेंटल साइंस और जनरल साइंस जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो. मत जो तुम फिफ्थ क्लास सिक्स्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो वही सब है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ओके सो मेजरली देखे जाए तो मेजरली हमारी पूरी साइंस में अगर सीबीएसई के बात करें तो सिर्फ हेरिडिटी वाला चैप्टर बाकी है, और अगर जीएसईबी की बात करें सो हम फिफ्थ चैप्टर कराएंगे केमिस्ट्री का, और हेरिडिटी वाला तो तुम्हें भी आएगा ही, तो वो चैप्टर भी करेंगे. एंड मैं पेपर सॉल्यूशंस और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स देख लूंगा. अगर आज जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर जो डिस्कस किया वो अगर इम्पोर्टेंटली है तो हम पर्टिकुलरली जीएसबी के लिए वो टॉपिक भी ये चैप्टर के कवर कर लेंगे. अदरवाइज टोटल जीएसबी को देखे तो टू चैप्टर्स, और सीबीएसई को देखे तो वन चैप्टर हमारा रिमेनिंग है साइंस में. और तो सीबीएसई का वन चैप्टर साइंस में रिमेनिंग, और मैथ्स में भी जो चल रहा है दैट इज द लास्ट चैप्टर फॉर द मैथ्स ऑल्सो सीबीएसई के लिए. सो तुम्हारा एक महीने जल्दी एग्जाम है और तुम्हारा सिलेबस भी पहले खत्म हो रहा है, तो तुम्हारी मेहनत भी ज्यादा होनी चाहिए. और फिर जीएसबी का मुझे एसएसटी भी करना है, तुम्हारा भी एसएसटी करेंगे, जीएसबी का भी एसएसटी भी करेंगे. हाँ हाँ ये एसएसटी दोनों का ही बाकी है, जीएसबी और सीबीएसई का. ओके सो वी विल गो हैंड इन हैंड. हाँ मैं नोट्स भेज दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी की तो नहीं भेजी, तो भेज दूंगा. एक्चुअली नोट्स मैंने मयंक भाई को दी थी स्कैन करके भेजने के लिए, अभी स्कैन जब हो तब हो मैं तुम्हें फोटोग्राफ खींच के भेज दूंगा. रिप्रोडक्शन की भी नहीं भेजी, यस यस करेक्ट. तो जो भी है मैं आज सारी नोट्स भेज दूंगा, मोस्टली आज भेज दूंगा. और मंडे तक गोल वाला, मंडे तो कल आ गया. हाँ लेकिन बीच में ये साइंस का खत्म हो गया ना, वो हमारा एम में नहीं था ना,
तो वो हमारे गोल में नहीं था, तो इसीलिए अब मैथ्स का वो डाउट तीसरा एग्जांपल बता दो तो हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। सर कौन सा सर? जो तुम्हें डाउट थे वो हमको तेरे को ना बाकी सारे होगा।